हे गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग आई एम गुलाबसा योर मेटोर एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू अनादर सेशन ऑफ सेवन एंड टूडे इज डे वन फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट वेयर बाई वी विल बी डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और आज हम डिस्कस करेंगे टू वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम फेस टू From the perspective of phase two of RBI grade B exam, the first talks about the card on file data transactions, and the second talks about the recently held board meeting of IRDAI. And as you all know, IRDAI is the regulator of the insurance sector for India. But before that, there are two pieces of information for you. The first is that we have already launched the live classes. If you have still not visited our website, please go and have a look at the live classes.

सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूज़ जो ये बोल रहा है दैट आर ने टेम्परेली जितने भी मर्चेंट्स हैं या फिर पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो कस्टमर कार्ड डिटेल्स रख सकते हैं अब इस इसमें क्या है अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली ये आर बी की डायरेक्शंस थी कि जितने भी कार्ड डिटेल्स हैं वो आपको डिस्ट्रॉय करने हैं एंड फ्रॉम फ्राम थर्टी एथ एंड फ्रॉम थर्टी एथ ऑफ सेप्टेम्बर आपको कोई भी कार्ड डिटेल्स अपने पास नहीं रखना है बी एड योर पेमेंट एग्रीगेटर्स द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स द पेमेंट गेटवेज और अदर एंटिटीज इन्वॉल्व इन द कार्ड ट्रांजेक्शन्स अब इन्होंने ये बोला है दट जितने भी मर्चेंट्स मर्चेंट्स जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनको टेम्परेली ये अलाउ किया है दैट यू कैन स्टोर द डेटा बट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ फोर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन अगर ट्रांजेक्शन एक जुलाई को हो रही है तो फिफ्थ जुलाई तक आप उस डेटा को अपने पास रख सकते हो और टिल द सेटलमेंट डेट जब तक आपकी सेटलमेंट नहीं हो जाती बिटवीन द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड द एक्वायरिंग बैंक जो भी इसमें अर्लियर होगा तब तक आप उस डेटा को रख सकते हो दैट टू ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज़ ये नहीं कि आप उस डेटा को स्टोर कर रहे हो फॉर अदर रिसर्च और अदर डेटा एनालिटिक्स पर्पज़ बस आप ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए कि आपने उस डेटा को अपने पास अपने पास एज ए रिकॉर्ड रखा है उसके बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस फाइव डेज दिस फोर डेज यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस डेटा अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है ना दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर दोज कस्टमर्स जिन्होंने टोकन जनरेट नहीं किया है अब आप कार्ड डिटेल्स नहीं अब आप कार्ड डिटेल्स uh, ये नहीं रख सकते एंटिटीज़ इन्वॉल्व तो आपको क्या करना पड़ेगा नाउ यू नीड टू जनरेट टोकन्स और ये एक वॉल्ट्री है कस्टमर्स के लिए सो so, सपोज अगर कोई कस्टमर टोकन जनरेट नहीं कर रहा तो जब भी वो पेमेंट करेगा दैट पर्सन विल हैव टू एंटर द डिटेल्स एवरी टाइम ही मेक्स पेमेंट ऑनलाइन तो जब उसको हम बोलते हैं गेस्ट चेकआउट ट्रांजेक्शन दैट इज़ वेन एवर ही इज ट्राइंग टू मेक अ पेमेंट उसको अपने कार्ड से डेटा फीड करने पड़ेंगे और उस केस में दिस मर्चेंस एज वेल एज देमेंट एग्रीगेटर्स कैन हैव कैन स्टोर द डेटा ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज फॉर अ मैक्सिमम ऑफ फोर डेज ठीक है उसके अलावा एक और डेडलाइन आर बी आई ने रिलीज की है वो है एक्वायरिंग बैंक के लिए कि जितने भी एक्वायरिंग बैंक हैं जिनको ट्रांजैक्शन डिटेल्स चाहिए होती हैं फॉर हैंडलिंग एनी ऑफ दी पोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ पोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है सपोज करो कोई ट्रांजेक्शन हुआ सपोज करो डबल ट्रांजेक्शन हो जाती है सेकेंडली ट्रांजेक्शन में कुछ फ्रॉड हो जाता है दैट मनी हैज़ बिन डिडक्टेड बट ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट बिन डन थर्डली मनी डिडक्ट ही नहीं हुआ बट यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है सो फॉर ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज इफ़ द एक्वायरिंग बैंक वॉन्स टू हैव दिस ट्रांजेक्शन डिटेल्स देन इट कैन हैव सो बट देन वो बस थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक है तब तक उनको कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा तभी उनके लिए ये टाइम फ्रेम दिया गया है कि 31 जनवरी नेक्स्ट ईयर तक आप डेटा अपने पास रख सकते हो उसके बाद चाहे वो मर्चेंट्स हो, एक्वायरिंग बैंक हो या फिर पेमेंट एग्रीगेटर्स हो, आप कोई भी किस्म के कार डिटेल्स ट्रांजेक्शन्स अपने पास नहीं रख सकते ठीक है सो दिस इज़ द न्यूज़ अब हम इसके पीछे के बैकग्राउंड पीछे की रीजनिंग को समझते हैं बट बिफोर दैट जिनको ये नहीं पता कि ट्रांजैक्शंस होती कैसे हैं वॉट इज द वॉट इज़ द बैक स्टेज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सपोज करो आपने uh, अभी रक्षाबंधन आ रहा है सपोज यू आर परचेजिंग सम राखी गिफ्ट फॉर योर सिस्टर और आपने अमेजोन पे देखा एंड यू हैव सेलेक्टेड सर्टन गिफ्ट नाउ यू वॉन्ट टू मेक द पेमेंट आप क्या करोगे सबसे पहले आपने अपने पेमेंट का पेज खोला राइट नाउ व्हेन यू ओपन द पेमेंट पेज एंड यू वॉन्ट टू पे थ्रू योर कार्ड राइट तो सबसे पहले एक पेमेंट गेटवे आता है कि आप पेमेंट सब और बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं बीट रेजर पे आप रेजर पे के थ्रू करना चाह रहे हो या फिर आप एक भारत बिल पे करके भी आता होता है सो आर सर्टन पेमेंट गेट ये आपको प्रोवाइड करते हैं एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो तो आप इस पेमेंट गेटवे में आते हो आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे कार्ड से पेमेंट करना है बी एट योर डेबिट कार्ड और योर क्रेडिट कार्ड एंड देन यू स्टार्ट एंटरिंग योर डेटा फीडिंग योर डेटा योर नेम दायरी एक्सपायरी एक्सपायरी डेट कब एक्सपायर हो रहा है आपका कार्ड द सिक्सटीन डिजिट कार्ड नंबर एंड एज वेल एज योर सी वी पी जब आपने सारा डेटा फीड कर दिया अपने कार्ड डिटेल्स भी फीड कर दिए नाउ द कार्ड नेटवर्क और द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कार्ड नेटवर्क का भी ये हो सकता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स विल फर्स्ट ट्राई टू ऑथोराइज दिस पेमेंट अब ऑथोराइज क्यों करते हैं सो फर्स्ट इट विल ट्राई टू ऑथोराइज विद दर्ड ईर्स नाउ दिस कार्ड इशूर्स और द्ड नेटवर्क वाई विल इट ऑथोराइज ये देखना चाहेगा कि क्या ये कार्ड वैलिड है हैज़ इट एक्सपायर्ड और नॉट सेकेंडली अगर सपोज ये क्रेडिट कार्ड है तो क्या उसकी इतनी लिमिट है सपोज योर कार्ड हैज़ ए लिमिट ऑफ फिफ्टी के एंड यू आर परचेजिंग समथिंग फॉर सेवेंटी फाइव के तो इस केस में ये ट्रांजेक्शन यहीं पर ऑथोराइजेशन के कारण डिक्लाइन कर दी जाएगी ठीक उसके अलावा सपोज अब कार्ड नेटवर्क ने बोला कि हाँ इसका कार्ड विद इन द एक्सपायरी डेट के अंदर है एंड सेकेंडली इट हैज़ दी सफिशेंट अमाउंट सिमिलरली अब ये इश्योअर बैंक है जिसने ये इशू किया है आपको कार्ड डेबिट और द क्रेडिट कार्ड उससे ऑथोरिटी लेगी कि वेदर द पर्सन हैज़ दफिशेंट बैलेंस एंड सेकेंडली क्या ये कार्ड इसी पर्सन के पास है या क्या इस कार्ड के अगेंस्ट कोई स्टॉलन या फिर थेफ्ट की केसेस रजिस्टर्ड हैं सपोज आपकी कार्ड चोरी हो गई तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हो तो अगर ये स्टोलन कार्ड होगा तो फिर यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगी अगर स्टोलन नहीं है देन ऑथोरिटी ऑथराइजेशन के बाद इट विल बी पास्ड ऑन टू दी मर्चेंट बैंक मर्चेंट जो मर्चेंट है उसके बैंक में ऑथोराइजेशन के बाद पास ऑन कर दिया जाएगा एंड द मर्चेंट बैंक विल देन जनरेट पेमेंट फ्रॉम दिस इश्योअर बैंक एंड फाइनली द पेमेंट विल बी मेड टू दर्चेंट सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वैन यू मेक थ्रू योर कार्ड अब आपको ये समझ आ गया ना अब यहाँ पे क्या होता था एवरी टाइम यू परचेज समथिंग आपने यू हैव है डेटा आपको अपने ये कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करने थे बट ये फीचर था कि यू कुड हैव सेव योर कार्ड राइट अब सेव कार्ड करने से प्रॉब्लम्स आ रहे थे वॉट कुड भी दी प्रॉब्लम सपोज आपने अपने फ्रेंड के लैपटॉप पे किया यू सेव्ड योर कार्ड नाउ दे आर चांसेस ऑफ मिस यूज़ ऑफ योर पर्सनल सेंसिटिव डेटा जो कार्ड पे प्रोवाइडेड होते हैं ठीक है तो उसको uh, ख़त्म करने के लिए देख आर बी आई केम अप विद द रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ एक्चुअल कार्ड डेटा तो जितने भी एक्चुअल कार्ड डेटा हैं बी योर टीन डिजिट कार्ड नंबर एक्सपायरी नेम जितने भी है उसको आप अब आप नहीं स्टोर कर सकते और इसी को बोला जाता है कार्ड ऑन फाइन अगर आप इसको स्टोर नहीं कर सकते सो वॉट इज दल्टरनेटिव सो आर बी आई हैज़ कम आप विद कार्ड टोकनाइजेशन वॉट इज दिस कार्ड टोकनाइजेशन कार्ड टोकनाइजेशन का ये मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दल डेटा आप एक बार ही टोकनाइज कर लो अपने कार्ड को सो so, सपोज आपने अपना कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड किया उसके बदले आपको एक टोकन जनरेट कर दिया सो दिस टोकन टोकन विल रिप्लेस योर सिक्सटीन डिजिट कार्ड नंबर और फिर जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे दिस टोकन विल बी यूज इन दैट केस जितने भी सेंसिटिव डेटा हैं वो अब किसी को विजिबल नहीं होंगे ना ही ये स्टोर्ड होंगे मर्चेंट के पास सो दिस वॉज द डेड लाइन की फर्स्ट अक्टूबर तक जितने भी मर्चेंट्स हैंक्वायरिंग बैंक है, है सबको ये बोला गया था दैट यू शुड डिस्ट्रॉय ऑल द डेटा और अब आप इन डेटा को अपने पास नहीं रख सकते बिकॉज अब से ये टोकनाइजेशन आ जाएगी बट इसमें एक ये फीचर है दट ये जो टोकनाइजेशन है इट इज़ एंटायरली वॉल्यूंटरी मतलब कस्टमर के ऊपर है इफ़ द कस्टमर वंस देन ही कैन गो फॉर टोकनाइजिंग टोकनाइजिंग हिज कार्ड और एल्स जब भी वो पेमेंट करेगा ही विल हैव टू प्रोवाइड द डिटेल एवरी टाइम तो ये है ऑल अबाउट कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जो भी आपका कार्ड डिटेल्स है उसको रिप्लेस किया जाएगा एक टोकन से एक रेंडमली जनरेटेड टोकन से उसको हम बोल रहे हैं टोकनाइजेशन ना वाट हैपन्स टू माई सेव्ड कार्ड तो जितने भी सपोज आपने आपकी सिटी uh, बैंक का कार्ड था आपके पास एस बी आई का क्रेडिट कार्ड था या फिर आपके पास दूसरे कार्ड से तो जितने भी कार्ड डिटेल्स आपने सेव किए थे अमेजॉन पे या जितने भी बाकी वेबसाइट्स हैं उन पे सेव किए थे ऑल ऑफ दीज डेटा विल नाउ बी नाउ विल नाउ बी रिमूवड फ्राम दीज वेबसाइट्स ठीक है तो फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर से जितने भी आपने कार्ड सेव किए थे सब रिमूव हो जाएंगे प्लस मर्चेंट्स मर्चेंट्स भी स्टोर नहीं कर पाएंगे अपने पास ठीक है तो वॉट इज़ द बेनिफिट तो इसका बेनिफिट टोकनाइजेशन का यही है सिक्योरिटी इट इज़ मोर सेफ बिकॉज योर डेटा इज नॉट विजिबल आपका कार्ड डिटेल्स कोई और चोरी नहीं कर सकता है तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टोकनाइजेशन उसके बाद वॉट इफ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट टोकनाइजेशन कुड बी वॉट इफ़ आई डू नॉट टोकनाइज द कार्ड वॉट इफ यू डू नॉट टोकनाइज आप टोकन नहीं लेते सिंस इट इज़ एंटायरली वॉलटरी तो जब भी आप पेमेंट करोगे अगर आप जोमैटो पे पेमेंट कर रहे हो यू आर परचेजिंग समथिंग सम फूड ठीक है तो उस केस में यू विल हैव टू प्रोवाइड योर एंटायर कार्ड डिटेल्स सपोज आपने एमेजोन से कुछ खरीदना है आपको किसी के बर्थडे के लिए इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू प्रोवाइड योर कार्ड डिटेल्स हर बार जब भी आप पेमेंट करोगे यू विल हैव टू प्रोवाइड योर कार्ड डिटेल्स सो इससे बेटर है यू गो फॉर टोकनाइजेशन अब आप टोकनाइजेशन कैसे होगा नाउ द मर्चेंट विल प्रोवाइड यू विद ऑल द स्टेप्स और बेसिकली यही स्टेप होगा कि पहले आप अपना कार्ड डिटेल वन टाइम एंटर कर दोगे देन दे विल भी सम ओ टी पी वेरीफिकेशन उसके बाद अ टोकन विल भी जनरेटेड एंड इट विल भी सेव्ड विद द मर्चेंट बस आपको बाद में ओ टी पी देकर अपने ट्रांजेक्शन को सिंपली बहुत ईजीली कर लेना है सो ना वॉट इफ़ यू हैव मल्टीपल कार्ड्स अगर आपके पास बहुत सारे कार्ड्स इफ यू हैव एट नाइन कार्ड्स फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस ऑल्सो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ टोकनाइजेशन फॉर योर कार्ड आप अपने आठ के आठ कार्ड्स के लिए टोकनाइजेशन कर सकते हो नाउ हाउ वुड यू आइडेंटिफाई सपोज सबके लिए रैंडम टोकनस आ रहे हैं और एक जो बड़ी बेनिफिट इसकी ये है कि जो ये टोकन आपको जनरेट करके मिलेगी एवरी टाइम यू यूज ऑन दी मर्चेंट वेबसाइट इट गोज ऑन चेंजिंग तो कुछ रैंडम डिजिट्स हैं और वो चेंज होते रहेंगे एवरी टाइम तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पे आपके कार्ड के जो लास्ट फोर डिजिट्स होंगे दैट विल बी मैंशनड इन द टोकन तो उससे आप पता कर सकते हो कि आपकी कौन सी कार्ड है ये वेदर इट इज़ ऑफ सिटी कार्ड और एस बी आई और योर आई सी आई सी आई क्रेडिट कार्ड या इवन योर डेबिट कार्ड सो आई होप आपको टोकनाइजेशन कार्ड ऑन फाइल और स्टोरेज ऑफ एक्चुअल डेटा की जो रेस्ट्रिक्शन थी वो समझ आ गई होगी सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी अनादर न्यूज़ दैट इज

नाउ व्हाट इज दिस ओ एफ स्टैंड्स फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल अब ये अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल क्या होते हैं इसको डिटेल में आई ने अपने 2015 के रेगुलेशन में मेंशन किया हुआ है बाई द नेम आई आर डी ए आई अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल रेगुलेशन दो और इसमें दो चीजें आती हैं फर्स्ट इज योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड सेकेंड इज दब ऑर्डिनेटेड डेट्स अब देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सब ऑर्डिनेटेड डेट वाई फर्स्टली ये आपके बेजल के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है राइट अंडर टीयर टू कैपिटल सेकेंडली नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप सबको पता है क्या होता है यू गेट प्रेफरेंस ओवर दी इक्विटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ लिक्विडिटी जब भी लिक्विडिटी होगी तो सबसे पहले किसको पे किया जाता है सबसे पहले द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स राइट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले हम पे करते हैं उसके बाद अनसिक्योर्ड पे होते हैं देन कम्स योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड फाइनली योर इक्विटी इक्विटी इज द लास्ट टू बी पेड तो ये आपको पता ही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेकेंड इज दब ऑर्डिनेटेड डेट्स अब नाम से ही क्लियर है दैट दैट समथिंग इज टू सम अदर थिंग राइट मतलब इससे पहले कुछ सुपीरियर होगा देन इट इट विल बी देयर राइट अब ये सब ऑर्डिनेटेड डेथ्स एक तरीके का लोन होता है या फिर आप कह सकते हो डिबेंचर होता है एंड दिस आर इशूड आफ्टर अ प्रिंसिपल आफ्टर अ प्रिंसिपल डेट हैज़ ऑलरेडी बिन इशूड सपोज आपने बैंक से कोई लोन लिया एंड यू हैव टेकन दैट लोन फॉर से थर्टी ईयर्स अब आप सपोज आपने लोन लिया आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो नाओ सपोज करो आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स यू वॉन्ट टू टेक सम अदर लोन और ये बैंक और आपके बीच में ये डीलिंग है ना द बैंक सिंस इट हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू विद्यूज सम ऑफ मनी फॉर थर्टी ईयर्स नाव वॉट एवर लोन्स ही प्रोवाइड विल बी नोन एज दब ऑर्डिनेटेड डेट अब ये सब ऑर्डिनेटेड डेट कई कई बार कुछ केसेस में ये होता है कि यहाँ पे मेचोरिटी नहीं होती यहाँ पे होती है मेचोरिटी नहीं होती यहाँ पे होती है कॉल ऑप्शन टू एक्सरसाइज इट वेन एवर यू वॉन्ट पर ये ऐसा नहीं कि कभी भी कर सकते हो इसमें भी एक मैक्सिमम मिनिमम टाइम फ्रेम है दैट इज टेन ईयर्स टेन ईयर से पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते तो दिस इज़ नॉन ए सब ऑर्डिनेटेड डेट नथिंग डिफरेंट इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन ओनली तो आपको ये याद रखना है कि अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में दो चीज़ें आती हैं फर्स्ट इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द सेकेंड इज दब ऑर्डिनेटेड डेट्स नाउ वॉट इन केस ऑफ पेमेंट अगर लिक्विडिटी होती है अगर कंपनी बंद होती है उस केस में हाउ वेयर आर दे प्लेस्ड तो ये जो सब ऑर्डिनेटेड डेथ्स होते हैं दे आर प्लेस्ड बिफोर दिस प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे होते हैं सब ऑर्डिनेटेड डेट्स क्योंकि ये एक तरीके का डेट ही है राइट right? तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने पे किया उसके बाद आप डिबेंचर्स वगैरह को पे करोगे फिर अनसिक्योर्ड को पे करोगे दैन यू विल पे दी सब ऑर्डोनेट सब ऑर्डिनेटेड डेट्सेंस शेयर्स देन इक्विटी तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन प्रोसीड करता है हु इज सुपीरियर इन केस ऑफ लिक्विडिटी देन ऑलवेज इट इज दब ऑर्डिनेटिड डेट आई होप आपको याद रहेगा नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड सो रिसेंटली आई आर डी आई की बोर्ड मीटिंग हुई थी एंड देयर इट केम अपनाउंसमेंट दैट इट इज नॉट गोइंग दैट एनी इंश्योरेंस कंपनी दैट वॉन्ट्स टू रेज कैपिटल थ्रू दिस अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल दैट इज थ्रू प्रेफरेंस शेयर और थ्रूट सब ऑर्डिनेटेड डेड इज़ नॉट रिक्वायर टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आई आर डी आई आई आर डी आई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली इशू कर सकते हो बट दैट इशूज शुड नाट एक्सीड फिफ्टी परसेंट ऑफ योर नेटवर्क सपोज़ आपने आपकी जो टोटल कैपिटल आपको रेज करना है फॉरन इंश्योरेंस कंपनीज सपोज़ करो एल आई सी को रेज करना है हंड्रेड करोज

सेकेंडली डिले कम होगा अगर आप आई के अप्रूवल के लिए वेट करोगे सो इट विल टेक टाइम राइट वो सारी चीज़ें देखेगा देन इट विल गिव यू द अप्रूवल सो इन ऑर्डर टू रिड्यूज द टाइम टेकन राइट इन ऑर्डर टू रिड्यूज द टाइम टेकन एंड सेकेंडली इन ऑर्डर टू प्रमोट द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर आई आर डी आई हैज स्टेटेड कि आपको प्रायर अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है आप मुझसे परमिशन मत लो आप बस जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग है वो करो और आप कैपिटल रेज कर सकते हो थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स एंड सब ऑर्डिनेटेड डेट्स तो ये जो प्रायर अप्रूवल का है इट इज़ ओनली फॉर दिस ओ एफ सी ओनली इक्विटीज़ के लिए नहीं है सो डोंट बी कन्फ्यूज एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जा सकता है नाउ अब मैंने आपको बोला था कि जो सब ऑर्डिनेटेड डेट्स होते हैं वहाँ पर कई बार मेचोरिटी पीरियड ही नहीं डिफाइन होती तो वहाँ पर होता है कॉल ऑप्शन अब ये जो कॉल ऑप्शन है उसमें भी आई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है फॉर एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन यू कैन डू सो प्रोवाइडेड आपकी जो सॉल्वेंसी रेशियो है इट इज़ एटलीस्ट वन एटी परसेंट नाउ दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर वन एटी परसेंट आपकी जितने भी वॉट इज दिस सॉल्वेंसी रेशियो आपको पता होगा सॉल्वेंसी रेशियो ये शो करता है कि हाउ सॉल्वेंट योर कंपनी इज़ कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या फिर लिक्विडिटी uh, क्राइसिस हो जाता है तो हाउ आर हाउ इज़ यं कंपनी गोइंग टू परफॉर्म हाउ सोलवेंट इज योर कंपनी इज और वो इनसोल्वेंट तो नहीं हो जाएगी दिवालिया तो नहीं निकल जाएगा उसका सो दिस इज नॉन एज सोल्वेंसी रेशियो एंड दिस इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल डेट्स तो आपके जितने भी डेट्स हैं बी एट या शॉर्ट टर्म डेट्स और योर लॉन्ग टर्म डेट्स वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे ऊपर आ जाएगा आपका नेट इनकम इंक्लूसिव ऑफ योर नॉन कैश एक्सपेंडिचर दैट इज़ आप यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो ये जो रेशियो है ये आपका 180 परसेंट जब तक नहीं होता तब तक आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते सिमिलरली और भी बहुत सारे आ, अनाउंसमेंट किए हैं आईआरडीआई ने उसमें से एक ये भी है द वे टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द रेगुलेटरी सैन रेगुलेशन ऑफ आईआरडीआई नाउ डी यू ऑल नो अबाउट सैन बॉक्स वी एव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन आरबीआई आल्सो आरबीआई की भी खुद की रेगुलेटरी सैन है सेबी की भी है थर्डली आई की भी है सैन आपको पता है एक लाइफ टेस्टिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर यू कैन टेस्ट योर प्रोडक्ट इन अ क्लोज कंट्रोल इन्वायमेंट और फिर जब वहाँ पे सक्सेसफुल होता है देन यू कैन लॉन्च इट फॉर दी एंटायर पॉपुलेशन दिस इज़ नॉन एज योर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसे बीटा टेस्टिंग होती है किसी भी सॉफ्टवेयर या एप की तो उन्होंने ये अमेंडमेंट लाने की बात कही है कि जो एग्जिस्टिंग वेलिडिटी पीरियड है कि कोई भी सैंडबॉक्स होगा वो फोर ईयर्स को होगा वो ये कह रहे हैं कि इसको रिमूव कर दो गिव अस मोर टाइम सो दैट वी कैन ब्रिंग सर्टन इनोवेशंस इन दी इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को यूज़ करके वी कैन बूस्ट द इंश्योरेंस सेक्टर सेकेंडली इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंट पीरियड अब ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का एक्सपेरिमेंट पीरियड होता है ये पहले टू ईयर्स का था नाउ दे आर सेम की प्लीज इंक्रीज दिस टू एटलीस्ट थ्री ईयर्स दैट इज थर्टी सिक्स मंथस ये अमेंडमेंट्स ये लाना चाह रहे हैं इन दिस रेगुलेटरी सैनबॉक्स थर्डली दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट लिमिटिंग देयर एक्सपेंसिस टू थर्टी परसेंट तो जो भी एक्सपेंसेज इसमें इंकर होते हैं उसको कम करके दे आर ट्राइंग टू यूज यूटिलाईज दूटिलाइज द इनोवेश इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर सो दैट इट कैन भी यूज फॉर ब्रिंगिंग इनोवेश इन द इंश्योरेंस सेक्टर

अब ये आपको ऑलरेडी इसका आंसर पता होगा बट स्टिल राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन सो द आंसर इज यू नीड टू राइट इट डाउन पर ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दैट टू फॉर टू मार्क्स ठीक है ना द सेकेंड क्वेश्चन दैट कुड बी प्रोबेबली आस्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ओ एफ सी अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल रेगुलेशन दो हज़ार पंद्रह

So, this was all for today. I hope you liked the session and keep learning. Till then, bye bye.